नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद्यालोक पे। मैं वीके शुक्ला भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप UPSI का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आइए सेशन की शुरुआत की जाए। पहला प्रश्न है, इसका आंसर देना है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान, यानी बजट में एजुकेशन पर पहली बार किस एक्ट के द्वारा, शिक्षा के लिए किस अधिनियम के द्वारा खर्चे का प्रावधान किया था, वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष सालाना 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह किस समिति की उस पर किया गया, वो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके तहत किया गया। तो प्रत्येक सदस्य, यानी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389, प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या पर था, तो प्रत्येक सदस्य लगभग 1,00,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान निर्मातृ सभा में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको इसका सही आंसर करना है, मिलान करना है कूट से, मिलान करते हैं हम लोग, मिलाई। समवर्ती सूची का प्रोविजन हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले का ए का 3 देखिए कहां पर है, ठीक है, तो ए का 3 कहां है, देखिए ये है ए का 3। ठीक है, तो और तो कहीं नहीं, तो मिल गया आंसर, क्या होगा इसका, आंसर होगा डी। ठीक है, यानी बी का 4 संसदीय शासन प्रणाली आपने ब्रिटेन से लिया है, सी का 1 महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से लिया है, और संघात्मक जो संरचना है वो आपने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, तो इसका सही आंसर डी होगा, नी। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं, सबको पता है 24 तीलियां हैं राष्ट्रीय ध्वज में हमारे। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आपको, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है, ठीक है, 19 से 22 तक, 23-24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 29-30 में आपको दिया गया है, 29-30 में दिया गया है आपको शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक और 32 में आपको दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये तो कौन सा नहीं है, विरोध का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में नहीं है। अगला चलिए, आप निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर करेंगे आप, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो पहला देखिए, मूल कर्तव्य कहां है, भाग 4 में, बिल्कुल सही है, राज्य की कहां है, भाग 6 में दिया है, भारत का महान्यायवादी, संघ राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी जो है ये इसका सही आंसर है, ये भाग 6 के अंतर्गत आता है, ठीक है, सॉरी भाग 5 के अंतर्गत आता है, जहां पर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद पढ़ते हैं, वहीं पर हम क्या है, महान्यायवादी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये भाग 5 में दिया गया है। अगला प्रश्न सातवां देखिए,
धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। किसके अधीन आता है ये आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान ने नागरिकों को नहीं दिया है? मौलिक अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। सूचना का अधिकार जब हम 19(1) का यानी वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं तो सूचना का अधिकार उसके अंतर्गत आता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नौवां प्रश्न देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन तथा दूसरा कारण है, आपको आंसर करना है कथन कारण का। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार क्या है? निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है मतलब इस पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लगाया जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है? न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। बिल्कुल है न्यायिक व्याख्याओं के अधीन, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए निरपेक्ष नहीं है क्योंकि ये क्या है? न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो ये क्या कर रहा है? आर ए को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा इसका, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, दसवां क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो देश के शासन के लिए आधारभूत है? वह है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी है। आगे चलिए, 11, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? ठीक है, यदि मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य किसकी समिति पर आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इससे कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? 4 का। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। इसकी अवधारणा कहां से ली गई? रूस से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 12 नंबर देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन कहां पर होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो जल्दी से आप बताइए, किस उसके उस पर होता है? 243(y) के अनुसार, 243(y) के अनुसार। जब आप नगर निगम और नगर पालिका पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत यह आता है राज्य वित्त आयोग। निम्नांकित कथनों में से उस दिन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, वो कौन सा स्टेटमेंट है? सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये स्टेटमेंट क्या है? मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्रियान्वित करता है, लागू करता है। आगे चलिए, 14 नंबर प्रश्न पर, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? क्वासी फेडरल स्टेट किस जूरिस्ट ने कहा था? किस जूरिस्ट ने कहा था? तो केसी वीयर साहब हैं, इन्होंने भारत के संविधान को एक अर्धसंघात्मक संविधान कहा था। आगे, संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल एक ही कानून बना सकती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक है, क्या हो? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 250 में यह बताया गया है। कावेरी नदी जल विवाद किस किस राज्य के मध्य है? कौन कौन से राज्य हैं जिनके मध्य है? तो वो राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, चार राज्यों के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 ये बताता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है।
अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, बताइए। केवल पहला सही है इसका, कि प्रत्येक राज्य में जो एमएलए होते हैं यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी जो विधान परिषद के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी ये विधान सभा की बात कर रहे हैं ना, एमएलसी की बात नहीं हो रही, विधानसभा यानी जो विधायक होते हैं विधानसभा के, इनके जो मूल्य होते हैं वो राज्य में क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन संसद सदस्यों के मूल्य बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा के सदस्यों का मूल्य अधिक है, राज्यसभा के सदस्यों का मूल्य कम है, ऐसा नहीं है, इनके मूल्य बराबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 19 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को किस प्रकार से किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा के सदस्यों तो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, मनोनीत, चयनित, निर्वाचित या नियुक्त, ये चयनित होता है। ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है, लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को निर्वाचित। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इनका, 13 मई 1952 को। पहला अधिवेशन कब हुआ था राज्यसभा का, 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा बैठी थी। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। यानी कितने समय तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए वह मंत्री रह सकता है, 6 माह तक। ठीक है, यानी 6 माह के बाद उसे हटना पड़ेगा पद से। ठीक, आगे 23 नंबर देखिए, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है वह मनोनीत किया जाता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो दे, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो विशेषाधिकार तब आता है उसका जब किसी मामले के तथ्यों को वो रोक देता है या तथ्यों को मरोड़ कर या उस स्वरूप में नहीं प्रस्तुत करता जिस स्वरूप में वह है। ठीक, आगे 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है, कौन सा ऐसा जो है तत्व है, कौन सी ऐसी खूबी है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान कैसा है, परिसंघी। ये जो शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर जो केंद्र और राज्य के मध्य है, वही यह चीज है। ठीक है, अगला देखिए 27वां, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, कब उसका उद्घाटन किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 28 नंबर, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, कितने समय तक रह सकता है, वो 6 माह तक, अभी मैंने बताया तो सर रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 29 नंबर, जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आया है, जिला न्यायाधीश शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है या उसकी जो है व्याख्या कहां पर मिलती है, शब्द कहां पर मिलता है, तो अनुच्छेद 233 का जब आप अध्ययन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश जो होता है उसका, डिस्ट्रिक्ट जज का ये कतई मतलब नहीं कि यहां पर डीएम है। ठीक है, डीएम को कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट या जिला जो है
कार्यपालक दंडाधिकारी कहा जाता है, ठीक है, जिला न्यायाधीश जो होता है वो जज को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज को। अगला 30 देखिए, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था, कौन सा राज्य था जिसने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाया था, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था, और दूसरा राज्य कौन सा था जिसने अपनाया था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वह दूसरा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हैं, यानी एक चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल जजों की संख्या कितनी है, 34, तो अन्य न्यायाधीश कितने बच रहे हैं, 33। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124(1) के अनुसार कुल जजों की स्वीकृत संख्या इस समय 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर बनी है। नेक्स्ट है अगला 32 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कार्य किया होना चाहिए, तो 10 वर्ष। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता देखें तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा कहते हैं दो या दो से अधिक राज्यों में क्या हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है। या तीसरी योग्यता है 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, ठीक, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो कुल 4 योग्यताएं हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और उसके साथ कितने अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है, 280 के अनुसार। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है, 281 के अंतर्गत, ठीक है। अगला 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, तो वो है संविधान द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी का वर्णन है, अनुच्छेद 148 से लेकर 152 तक जो है वो सीएजी के बारे में उपबंध किया गया है। सीएजी के संबंध में कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्यकाल मतलब कितना होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, या संवैधानिक संगठन है, जल्दी बताइए ये क्या है बेटा, संवैधानिक संगठन है। क्यों, कि संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट लोक सेवा आयोग और स्टेट जो है राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी संस्थान जिसके बारे में, जिसके गठन के बारे में संविधान में कहीं भी उपबंध है, ऐसा संगठन क्या कहलाता है, संवैधानिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, यानी हाईकोर्ट का जज कितनी आयु में रिटायर होता है, देखिए हाई कोर्ट का 62 वर्ष में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, और लोअर कोर्ट का जज जो है वह 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, क्लियर। अगला 37 नंबर देखिए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं एवं ईसाइयों तक सीमित है, हिंदू एवं मुसलमानों तक सीमित है, बताइए कहां तक, ये क्या है, धर्म निष्ठा से तटस्थ है, इसका कोई मतलब धर्म से नहीं है अनुसूचित जनजातियों का, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये 38, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है, वह है इसमें भारत का महान्यायवादी, ठीक है।
हालांकि इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वह भी, लेकिन इसका कार्यकाल होता है कुछ, ठीक है। निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? जो लोक निधियां होती हैं, जैसे भारत की संचित निधि होती है, ठीक है, आकस्मिक निधि होती है, तो इसे क्या कहते हैं? निधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो निधियां होती हैं, इन निधियों का अभिभावक गार्जियन किसे कहा जाता है? वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, सीएजी को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी 315, वित्त आयोग 280, लेकिन योजना आयोग के बारे में जिसका स्थान अब किसने ले लिया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का या योजना आयोग के संबंध में संविधान में कहीं पर भी उपबंध नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब हुआ है? तो यह जो है 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया, ठीक है। कब किया गया बेटा? 6 अगस्त 1952 को, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता? जो समिति बनती है इनके लिए, उस समिति में कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा का सभापति जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो समिति बनती है, उस समिति में यह नहीं होता। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है, बताइए। ये क्या है बेटा? एक विधिक अधिकार है, ठीक है। कौन सा विधि है इसके संबंध में? इसके संबंध में विधि जो है वह है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम विधिक अधिकार कहते हैं। यदि संविधान में कहीं प्रदत्त होता तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में प्रदत्त हो तो मौलिक अधिकार। अग्रताधिपत्र, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्न में से कौन अग्रता का सही अवरोही क्रम है, बताइए बेटा। पहले आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य। 45, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? कौन था जिसने सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है। 46, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त होता है उसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है 324 के अंतर्गत। 47, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए हेतुपूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत जो है वह, इसमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर। 48, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन में सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। अगला देखिए 49 नंबर, दिनेश गोस्वामी समिति ने किस बात की सिफारिश की थी, ठीक है, कौन सी सिफारिश? लोक चुनाव, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन, यानी लोकसभा के चुनाव में जो सरकारी निधि है उसके खर्च के संबंध में इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दल बदल निवारक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी डेट थी जिस पर दल बदल विरोधी कानून जो है वो लाया गया था? तो वह डेट है 15 फरवरी 1985, ठीक है, 15 फरवरी 1985। ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जिसके साथ हम आपके साथ जुड़े थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।